और कल चंद्रयान ने जो एक इतिहास रचा, ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम इस अब जीते जी हम लोगों ने ये चीज़ अपने आंखों से देखा, क्योंकि ये बहुत ही गर्व के क्षण होते हैं जब भारत कोई बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करता है, खास करके ऐसी उपलब्धि जो पूरे विश्व में हमसे भी ताकतवर देशों ने कई बार सोचा कि चाँद के दक्षिणी ध्रुव में हमारा कोई सैटेलाइट लॉन्च कर सके, पर किसी ने हिम्मत तक नहीं जुटा पाया, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव चाँद का सबसे मुश्किल ध्रुव माना गया। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रात दिन अथक परिश्रम करके और एक बहुत कम बजट में ये काम करके दिखाया कि चांद का जो दक्षिण ध्रुव था वो आज हमारे पकड़ में है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलेंगे। चंद्रयान मिशन हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा मिशन इसलिए भी है क्योंकि चंद्रयान ने पूरे दुनिया में ये सिद्ध कर दिया कि हम भारतीय टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में हमारे जो यूथ है जो आज बहुत सारे सेक्टर्स की तैयारियां करता है, बहुत सेक्टर्स में अपने कैरियर बनाने की सोचता है, उनके लिए चंद्रयान ने एक बहुत बड़ा जो आपके लिए जो द्वार खोले हैं वो ये है कि आने वाले समय में भारत में बड़ी कंपनीज भी आएंगी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, बहुत बड़े समझौते भी भारत में होंगे, भारत बहुत बड़े लेवल पे और तेज़ गति से आगे बढ़ेगा क्योंकि अब भारत की शक्ति सब ने देख ली है। तो आप सब युवाओं को चंद्रयान की सफलता से ये फायदा मिलेगा आने वाले समय में कि आप सभी आज हमारे साथ मिलेगा। अभी तक कहा जाता था कि भारतीयों को थोड़ा सा पीछे मारा जाता था कि भाई यहाँ के लोग गुलामी के मानसिकता वाले हैं, यहाँ के लोग बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते, नया रिसर्च नहीं कर पाते, बस यूज ही करते रह जाते हैं। लेकिन आज भारत एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे हम सिर्फ यूज नहीं कर पा रहे और अब हम बना भी रहे हैं और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से हम लोग हर चीज़ को बना रहे हैं। तो आप सभी युवा आने वाले समय में जब भी देश भारत के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट करें और आप भी इन सारे प्रोजेक्ट्स में के काबिल बने, इसके लिए थोड़ी तैयारी आप सभी करें। कोई बड़े प्रोजेक्ट्स में जाने के लिए आप लोग भी तैयारी करें, जिससे आने वाले समय में जबलपुर के भी कुछ युवा इसरो में, अमेरिका के नासा में और हमारे DRDO में जो हमारे भारत का एक रक्षा संस्थान है DRDO और बड़े रिसर्च प्रोग्राम्स में हमारे युवा भी जबलपुर से भी जाए और वहाँ हमारा नाम रोशन करें कि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारे युवा भी सामने आए। तो जबलपुर के सारे युवाओं को एक बार फिर से विस्तार फाउंडेशन की तरफ से आप सबको शुभेच्छा और आप सभी आने वाले समय में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़े, क्योंकि अब आज समय आ चुका है जब हम थोड़ा सा बड़े लेवल पर खेलें, क्योंकि आज पूरा विश्व हमें देख रहा है। धन्यवाद।